तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द होने के बाद पूरे भारतवर्ष में उनके व बीजेपी के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला था। लोगों ने बीजेपी को जमकर आड़े हाथ लिया था, लेकिन उसके बाद के मामले में फिर से साइडलाइन हो चुका था, क्योंकि तेज बहादुर यादव अब भी शालिनी यादव को लेकर लखनऊ में और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वाराणसी के अंदर अभी भी प्रचार करने में लगे हुए हैं। शालिनी यादव भी प्रचार करने में लगी हुई हैं। नतीजन यह बात पहले भी सुनने में आई थी कि तेज बहादुर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और तेज बहादुर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में तेज बहादुर यादव के मामले में याचिका दाखिल कर दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी की तरफ से जानबूझकर मेरा नामांकन रद्द करवाने की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि वह जीतना चाहते हैं और इसमें उनका साथ इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह से दिया है। तेज बहादुर ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ने ये सब दबाव में आकर किया है, क्योंकि जो आरोप मुझ पर लगाए गए हैं वे सब झूठे हैं, मैं उनके अंदर आता ही नहीं हूँ। और साथ ही कहा कि मेरे ऐसा कोई काम नहीं किया कि सेना के अंदर रहते हुए जिसकी वजह से मुझे बर्खास्त किया जाए, बल्कि मैंने खुद अपना रिजाइन दिया था और उसके बाद मुझे निकाल दिया गया, और मैंने खाने पीने की बात की थी, भ्रष्टाचार की बात की थी, जबकि मुझ पे किसी भी प्रकार के आरोप नहीं लगे थे, मुझ पर अनुसंधान के आरोप लगे थे, तो इस वजह से मैं इसके अंदर आता ही नहीं हूँ। जो धाराएं मुझ पर लागू की गई हैं, साथ ही जो मुकदमे मुझ पर लगाए गए हैं, वे सभी झूठे हैं। साथ ही तेज बहादुर ने यह कहा कि रात को मुझे नोटिस दिया जाता है और 11 बजे तक टाइम दिया जाता है, यदि अगर मुझे 4 से 5 तक का समय भी दे दिया गया होता तो जमा करवा देता, और जब मैं जमा करवाने पहुंचा तो मुझे जवाब मिला कि आपकी एक्सपायरिंग डेट है, आपको 11 बजे तक का समय दिया गया था। और यह सभी आरोप लगाते हुए तेज बहादुर यादव ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी अर्जी दाखिल की है। और अब प्रशांत भूषण, जो अब एक वकील हैं, वे कभी एक नेता हुआ करते थे, जो आज सुप्रीम कोर्ट के काफी बड़े और जाने माने वकील हैं, उनका नाम बड़ा ही फेमस है, जो तेज बहादुर यादव के लिए उनका केस लड़ेंगे। तो अब देखना यह है कि आखिर क्या होगा तेज बहादुर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।